विदिशा जिले के पठारी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पदमयाई के कृषक देवी सिंह ने बताया कि उनके घर के पास खलियान में खेत से गेहूं निकालकर लाए थे, जिसमें आग लगने से वहां पर पड़ा गेहूं और गद्दी, पल्ली, पाइपलाइन, कंडा, लकड़ी सहित गृहस्थी का काफी सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाते समय सोहन और राकेश झुलस गए। ग्रामीणों की अथक मेहनत और परिश्रम से आग पर काबू पा लिया। समय रहते कहीं आग पर काबू नहीं पाया होता तो बगल में लगी शोएब मोहम्मद खान की फसल को नुकसान हो सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत मंडल के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। ग्रामीणों द्वारा विद्युत मंडल को पहले सूचना दे चुके थे कि लाइट फॉल्ट हो रही है, सही ढंग से नहीं सुधारने के कारण यह घटना घटित हुई। यदि समय रहते विद्युत कर्मचारी विद्युत लाइन सुधार देते तो यह घटना घटित नहीं होती। वहीं समय पर प्रशासनिक अमला और डायल 100 नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया और सीधे तौर पर बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।